चलिए नमस्कार आ प्रणाम बा सभी भोजपुरिया श्रोता के आ सभी भोजपुरिया दर्शक के हमरा साथे एजी जौन शख्स बैठल बानी यहाँ के कोनो परिचय के मोहताज नहीं कि यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बानी मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा। अब हमनी के जानल जाए यहाँ के आज बड़ा संजोग बस भेटा गेल बानी छपरा में एजी एगो वेब सीरीज के शूटिंग चल रहा बा जौना में यहाँ के अहम भूमिका बा। हालांकि हरेक फिल्म में भी रउआ देखले हो कभी यहाँ के अहम भूमिका रहेला कौनो ऐसा नायक आ नायिका ना हो खस जे भोजपुरी के जरा साथ यहाँ के काम काज ना कैले हो कि आ कुछ हमनी के जीवन के बारे में जानल जाए आ कुछ यहाँ के वर्तमान के बारे में जानल जाए। तो सबसे पहले तरह स्वागत बा। थैंक यू सर। एगो बात बताई रउआ तो मान ली कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई नी तनि हम चाहे कि रउआ अपना संघर्ष के दिन हमारा दर्शक लोग से शेयर करी केगन से में संघर्ष तो हमने किया ही नहीं कभी। नहीं वो तो प्रोसेस होता है लाइफ का जी। आप पढ़ाई करने जाते हैं ऑफिसर बनते हैं तो जो पढ़ते हैं वो स्ट्रगल थोड़ी है। तो हम तो अपनी लाइफ में उसको स्ट्रगल किए ही नहीं और गए बम्बई मेहनत किए थिएटर किए नाटक किए सिनेमा मिला। आपकी पहली फिल्म जो है वो कौन सी है? चलत मुसाफिर मोहलियो रे। और उसके नायक हैं निरहुआ। सबसे ज़्यादा आप किस एक्टर के साथ काम किए हैं? मैंने सबके साथ बराबर ही किया होगा जी। हो सकता है निरहुआ के साथ दो चार फिल्म ज़्यादा किया हो जी लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सबके साथ काम किया है जी। और सबसे बेहतरीन जो आपकी फिल्म है वो आपको कौन सी लगती है? ये तो मापदंड मुझे नहीं पता। आपको तो हर फिल्म अच्छी लगेगी जी। लेकिन ऐसी अभी विशेष कोई एक फिल्म का नाम लेना मुश्किल है जी कि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। हुँ। लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें हमने बड़ा अच्छा काम किया है। निरहुआ रिक्शा वाला जी और लागल रहा बतासा पवन पुरवैया पटना से पाकिस्तान। अभी रिसेंटली एक आई है फिल्म जिसका नाम है छुटकी बहू बड़की बहू जी। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें अच्छा किया गया है। आप पवन सिंह जी काराकाट से खड़े थे वहाँ पे आप प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे लेकिन उनका सीट नहीं निकल पाया। क्या किस तरह से देखते हैं उनका राजनीति भविष्य? आप मेहनत कर रहे हैं अच्छा वोट मिला उनको वहाँ से तो हो सकता है अगली बार जीतेंगे भी। सुनने में आ रहा है कि वो शायद अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जी। अगर होगा तो करना भी चाहिए उनको कोई बुरी बात नहीं है जी बिल्कुल करना चाहिए। हाँ आप भी अपना जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं राजनीति में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं इधर मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं ना, है। ना। मैं प्रचार भी भले कर दूँ मिलना जुलना लोगों से पर मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं जी। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो पूर्ण नहीं हो पाई और आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए? हर इंसान की इच्छा कहाँ पूर्ण होती है? जब तक जिंदा रहता है तब तक तो इच्छाओं के पीछे ही भागता रहता है। इच्छा जिस दिन खत्म उस दिन जीवन खत्म। तो अभी तो कोई एक इच्छा बाकी है न जाने कितनी इच्छाएं बाकी है जी। हाँ इच्छाओं का दमन जब हो गया तो इंसान खत्म हो गया। इसलिए इच्छाएं जिंदा रहनी चाहिए। जी। हम बैठे हुए थे वहाँ पे तो आप अपने वजन को लेकर बोल रहे थे तो आप अपने वजन को कंट्रोल कर रहे हैं जी। किस तरह से कंट्रोल हर आदमी करना चाहिए जी। तो थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर करते कि कुछ नहीं बस खाना इतना कम से कम हो सके दवा की तरह खाना खाइए। दवा की तरह? हाँ नहीं तो फिर दवा खाना की तरह खाना पड़ेगा जब शरीर मोटा हो जाएगा जी। हम चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं कौन से जिले से आते हैं? आजमगढ़ जी। आपका जो बचपन है वो किस तरह से गुजरा है? दुखमय गुजरा है या सही से गुजरा है? नहीं बहुत मज़ेदार रहा बचपन में। मैं बहुत एंजॉय किया गांव में। मुझे तो लगा कि बचपन सबसे बेहतरीन था मेरे जीवन का जी। आपका एक साक्षात्कार हम देख रहे थे वहाँ पे आप बोल रहे थे कि हमें टिकट लेने के लिए पैसा नहीं था बनारस में गए वहाँ पे एक दिन स्टेशन पे सोए हुए भी थे है ना जी। तो वो किस तरह से हुआ था? वो बोला ना कि मैं इसको संघर्ष नहीं मानता ये सब प्रोसेस है जीवन जी। तो अब यहाँ धूप में हम शूटिंग कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ एसी नहीं है जी। तो मैं बोलूँ कि संघर्ष कर रहा हूँ तो संघर्ष थोड़ी है
ये तो अपना काम है, ये काम है, यही जीवन है, यही कर्तव्य है। एक किसान खेत जोतता है, मार पसीना पसीना हो जाता है तो बोले संघर्ष कर रहा हूँ, ये संघर्ष थोड़ी है, ये मेहनत है, ये यही प्रोसेस है लाइफ का, यही जीवन है, यही जीवन है। आप आसानी से कुछ मिलता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। जी 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 जी। आप जिस मंजिल की तलाश में है वो मंजिल आपको प्राप्त हो चुकी है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मंजिल जो है ना जी, वो समय समय पर बदलती रहती है जी, लोगों की जी जी। बचपन में आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, फिर नौकरी पाना चाहते हैं, फिर और बड़ा होना चाहते हैं, फिर कुछ होना चाहते हैं, तो मंजिल तो ख़त्म होती नहीं है। मंजिल तो वही है जिस दिन आप चार लोगों के साथ शमशान पहुंच जाएंगे, उस दिन सारी मंजिलें ख़त्म हो जाएंगी। असली मंजिल वही है, असली। अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जी कितनी शांति और सुकून के साथ आप पहुँच जाएँ वहाँ, वो मंजिल है जी 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 जी। और बाकी तो कोई मंजिल होती नहीं है। भोजपुरी फिल्म में आपके फेवरेट एक्टर कौन है? भोजपुरी में कोई एक आदमी तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन यह है कि अगर हीरो में बात किया जाए जी, जी, तो निरहुआ है जी, रवि किशन है, और मनोज, ये अपने पवन सिंह है जी, जी, जी। अविनाश दुबे एक लड़का है, वो अभी तो छोड़ दिया, नहीं करता है, बहुत अच्छा एक्टर है वो। ये लोग हैं, और भी किरण यादव हैं, संजय पांडे हैं, अवधेश मिश्रा हैं, सुशील सिंह हैं, प्रकाश जैस हैं, ये लोग बड़े उम्दा अभिनेता हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं लोग। जो एक्ट्रेस है उसमें आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो बेहतर आपको काम काज से लगती है? अभी तो ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पाखी हेगड़े मेरी फेवरेट रही हमेशा जी। रानी बहुत अच्छा काम करती है। अंजना सिंह, अंजना सिंह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और मैं उनको जो है पहली फिल्म से उनको बहुत पसंद करता हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आम्रपाली भी अच्छी एक्ट्रेस है, पर अभी नए दौर में या पहले देखा जाए तो पाखी तो पहले आई थी, लेकिन मेरी नज़र से पूछेंगे तो मुझे अंजना सिंह सबसे अच्छी लगती थी। सर, लास्ट में एक सवाल यह है कि जो हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है ये कब उम्दा फिल्में नहीं दे पाती है, जिस तरह से दक्षिण भारत की फिल्में आती है या हिंदी फिल्में आती है, उन लोगों का मुकाबला ये नहीं कर पाती है? किसी मान लीजिए कि इनका जो दर्शक है एक लेवल तक ही दर्शक है, और उसी तक दर्शक सीमित है, कहीं ना कहीं चनिया चोली इस तरह में अजुराया हुआ है, कोई उम्दा उतना फिल्म नहीं आ पाता है, ऐसा क्यों? नहीं, तब फिर आपने वर्कआउट नहीं किया जी, आपने रिसर्च नहीं किया। 2018 से ही सब बंद हो गया, आपको आपने कभी पता लगाया नहीं, हमको लगता है 2018 से इस तरह की फिल्में बंद हो गई बनना। 2018 के बाद एक भी फिल्म नहीं बनी इस तरह की। तो क्या हमारी फिल्में जो है वो दक्षिण भारत की फिल्मों का? नहीं नहीं, अभी आप अश्लीलता पे आइए पहले। 2018 के बाद से भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता खत्म हो गई, खत्म हो गया, कहीं ना कहीं मान लीजिए कि एक्शन वगैरह या एक्शन भी नहीं है जी, सब फैमिली फिल्में बनती हैं, खाली पारिवारिक फिल्में बनती हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में टीवी पर सिनेमा हॉल में सिनेमा बंद हो गया जी, जी, अब टीवी पर आता है, और टीवी पर जो है अलग सेंसर होता है जी, वहाँ पर आप साले भी नहीं बोल सकते, सेंसर है, सेंसर काट लेता है वो जो सेंसर सर्टिफिकेट जहाँ से मिलता है, टीवी पे आने से पहले सिनेमा का अलग सेंसर सर्टिफिकेट बनता है और टीवी का अलग सेंसर सर्टिफिकेट बनता है, तो उनकी टीम देखती है, और वो औरतों के प्रति ऊंच में गाली देना, खून निकाल, ये सब सारी चीज़ें कट जाती हैं उसमें। तो अब आप देखिएगा टेलीविज़न पर जी, किसी भी महिला से पूछिए जो टेलीविज़न देखते होंगे जी, जी, तो बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा बेहतरीन फिल्म आने लगा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं, तो दक्षिण भारत की फिल्मों को कैसे आप पाएंगे? भोजपुरी भाषा का सबसे बड़ा दुश्मन तो भोजपुरी समाज है जी। आप अपने बच्चे को जैसे आईएएस पीसीएस बनते हैं भोजपुरी बोलने नहीं देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे पाएंगे आप? ये बात बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप। बिहार में ही सबसे ज्यादा भोजपुरी के दुश्मन है, जो भोजपुरी अपने बच्चों को नहीं बोलने देते हैं, वो भोजपुरी कल्चर को ही से नफरत करते हैं। जो अभी यहाँ पे वेब सीरीज बन रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे, जिसके लिए आप स्पेशल यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों से मुलाकात भी हो गई।
बड़ा अच्छा कॉमेडी वेब सीरीज बन रहा है जी, और एक ऐसा वेब सीरीज बन रहा है जहाँ पर आप देखिए कि बिहार के बहुत सारे लड़के हैं, बड़ा अश्लील कंटेंट बनाते हैं जी 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 जी, नाम नहीं लूँगा जी, हर चार कदम पे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत गंदा गंदा कंटेंट बनाते हैं। ऐसे में ये जेपी यादव लड़का जो है ये बहुत साफ सुथरा और हेल्दी कंटेंट बना रहा है जी जी जी, एक ऐसा कंटेंट है जिसमें कुछ है, इसकी कौन विवाह है वो सरकारी विवाह जी, तो अब एक कैसे कॉमेडी में किसी सटायर कर रहा है वो जी 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 जी, कि एक पढ़ाई लिखाई में लड़का अच्छा नहीं है जी जी, पिताजी चाहते हैं अच्छी शादी हो तो सरकारी नौकरी लगवा के कैसे इस तरह का एक कॉमेडी फन क्रिएट करने की कोशिश की है, वेब सीरीज बनाया जा रहा है जिसमें आपकी अहम भूमिका है, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं कुछ एक्टर्स हैं, जो एक्टरों का भूत अभी सवार है जो भी युवा हैं, और यूट्यूब सोशल मीडिया के आ जाने से और भी, क्या कहेंगे उन लड़कों से आप? कोई शॉर्टकट नहीं है जी, मेहनत ही एकमात्र, किसी भी लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई किसी को काम नहीं दिला सकता है जी, उनको सिर्फ अपनी मेहनत ही आगे ले जा सकती है जी, तो पहले वो अपनी मेहनत करें जी, ड्राइवर बनने के लिए अगर आपको कार चलाना चाहते हैं तो कार चलाना सीखना पड़ेगा ठीक है, तो अगर कैमरे के सामने आपको आना है तो एक्टिंग आपको सीखना पड़ेगा, और लाठी लेके पीछे खड़ा होना है हाँ भैया हाँ भैया करना है तो ठीक है, तो खड़े रहो तो जीवन भर करते रहो, कोई मना नहीं करेगा। चलिए मनोज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान से हमारी प्रार्थना रहेगी कि आपका भविष्य जो है उज्ज्वल हो। चलिए, तो ये थे हमारे मनोज सिंह टाइगर और उर्फ बतासा चाचा, और इनकी जो बातें हैं, जो हमारा साक्षात्कार हुआ, ये आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।